Hi guys, this is Vaikuntha Behra from Pearl Education Classes Aurangabad, and today we are with the second part of eye, the sense organ. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ आई वॉल के बारे में पढ़ा था. अब इसमें हम देखने वाले हैं कि चीजों को हम देखते कैसे हैं. ठीक है, हाउ डू वी सी, तो कैसे देखते हैं ना. सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जैसे लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो वहां से एक लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे मतलब आपकी जो मतलब आईज के जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग स्क्लेरा है, उसके बाहर और एक कवरिंग है जिसको अपन बोलते हैं कंजक्टिवा. तो कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट है, उसको क्रॉस करता है. उसके बाद आपका क्या होता है, कॉर्निया को क्रॉस करता है. कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद आपका एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद आपका प्यूपिल. प्यूपिल तो एक मतलब डायमीटर है जो कि लाइट रेज कितना ज्यादा आएगा कम आएगा उसी हिसाब से वो रेगुलेट करता है. ठीक है, ज्यादा है तो आपका डायमीटर घट जाएगा, कम है आगे पढ़ने वाले, कम है तो डायमीटर बढ़ जाएगी. उसके बाद आपका लेंस को क्रॉस करता है, तो लेंस को क्रॉस करने के बाद आपका कहाँ पहुंचता है, विट्रियस ह्यूमर में पहुंचता है. और ये विट्रियस ह्यूमर में क्या करता है ना, आपका विट्रियस ह्यूमर के बाद आपका कहाँ पे पहुंचता है, रेटिना के पास पहुंचता है. ठीक है, तो रेटिना में क्या होती है, आपका न्यूरो सेंसरी हेयर सेल जो आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, यहाँ से आपका कलेक्ट कर लेते हैं इस मतलब लाइट रेस को. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब एंट्री ऑफ लाइट रेज होती है, उसके बाद क्या होती है, एंट्री ऑफ लाइट रेज कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया. तो सबसे पहले आपका क्या होगा ना, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद आपका आ जाएगा कहां पे ना, आपका कॉर्निया, कॉर्निया से आपका आ जाएगा एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से आपका चला जाएगा कहां पे, प्यूपिल को क्रॉस कर जाएगा. प्यूपिल क्रॉस करने के बाद आपका पहुंच जाएगा कहां पे ना, लेंस के ऊपर. लेंस के बाद आपका कहां पे चला जाएगा ना, विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर से आपका कहां चला जाएगा, आपका हाँ रेटिना के ऊपर पहुंच जाएगी. ठीक है, तो रेटिना के ऊपर लाइट रेज पहुंच जाती है, तो फिर क्या हो जाते हैं, उसको फोकस हो जाती है वहां पे इमेज. एंड उसको क्या किया जाता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होती है, जनरेट होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है नर्वस सिस्टम में. तो नॉर्मल इम्पल्स जनरेट होती है और वो क्या करता है ना, रेटिना से आपका ब्रेन तक पहुंचता है. ब्रेन में कहां पे, ऑसिपिटल लोब, मैंने आपको बोला है पहले से ही, क्योंकि ऑसिपिटल लोब इज द रीजन फॉर विजन. ठीक है, ऑसिपिटल लोब के पास पहुंच जाती है. उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरप्रिटेशन बाय ब्रेन होती है. तो प्रीवियस अगर कुछ डाटा है हमारे पास उसके साथ मैच किया जाता है, अच्छा हमारे मामा है या नानी है, तो वो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कि मतलब इंटरप्रेट करते हैं कि मतलब इनको हमने देखा है कि ये हमारे लिए मतलब पुरानी चीज है कि ये नया है. ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई. एकोमोडेशन ऑफ आई मतलब क्या होती है, अगर मान लो कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, डिस्टेंट मतलब क्या होती है, मोर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आर लेंस. हमारे लेंस से अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में, अगर ज्यादा दूरी में अगर प्रेजेंट है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंट विजन बोलेंगे. अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियर विजन बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फार पॉइंट में प्रेजेंट है कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से उस टाइम में हमारे जो आपका आई लेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, सिलियर बॉडी क्या करेगा ताकि आई लेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगी, जिसके वजह से इमेज आपका क्या होगा ना, फोकस होगा कहाँ पे, रेटिना के ऊपर. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आपका फार ऑब्जेक्ट होगी तो आई लेंस क्या होती है, एक्सपांड होती है. मतलब आई लेंस क्या होगा, यहाँ पे थिन होगा. ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे थिन होगा. एंड फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है इस दौरान. एंड पावर क्या होती है, आपका डिक्रीज हो जाती है. मतलब थोड़ा पावर, मतलब रिजोल्यूशन पावर जो बात कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा क्या हो जाता है, दूर के जो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम ज्यादा क्लियरली नहीं देख पाते हैं. एंड जो पास के ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक एक मतलब पॉइंट्स भी हम चीजें देख पाते हैं. ठीक है, तो वो चीजें पावर आपका डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, एंड इस दौरान आपका क्या हो जाती है कि अगर हम बात करें जो आपका सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है. ठीक है, जब सिलियरी मसल आपका क्या होती है, ये सिलियरी मसल, दिस इज सिलियरी मसल, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिलियरी मसल है. जब ये रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा ना, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये क्या होती है, कंट्रैक्ट हो जाती है ऐसे, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट क्या होगा ना, आपका यहाँ पे कंट्रैक्ट हो जाती है. जब कंट्रैक्ट हो जाती है तो उसके कारण क्या होती है ना, आई लेंस जो होती है थीन हो जाती है, जिसके वजह से आपका इमेज फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, रेटिना के. दूसरा हम बात कर रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में प्रेजेंट होगी तो उस दौरान क्या होगी ना, लेंस जो है कंट्रैक्ट होगी. क्यों कंट्रैक्ट होगी ना, यहाँ पे देख रहे हो आप सिलियरी मसल्स हैं. ठीक है, जो सिलियरी मसल है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिलियरी मसल जो है ये आपका क्या होगा, कंट्रैक्ट होगी. सिलियरी मसल जैसे कंट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है. ठीक है, तो रिलैक्स होने से क्या होती है ना, जो आपका जो आई लेंस है वो क्या हो जाती है ना, बल्ज हो जाती है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थिक बन जाती है, जिसके वजह से आपका क्या होता है, फोकल लेंथ आपका डिक्रीज हो जाती है, पावर इंक्रीज हो जाती है. मतलब क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाती है एकोमोडेशन ऑफ आई, कि जब आपका नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या
चेंजेस होती है लेंस में, क्या चेंजेस होती है सस्पेंसरी लिगामेंट में, एंड क्या चेंजेस होती है आपका सिलियरी मसल्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम देखने जा रहे हैं कि लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। इस दौरान क्या बात करें ना, जैसे कि हम दोपहर में आप या दिन में आप मतलब सिनेमा हॉल में एंटर कर जाते हो, ठीक है, तो आपको सिनेमा हॉल के अंदर पहले अंधेरा दिखता है, थोड़ा मतलब इतना क्लियरली विजुअलाइज नहीं होती है, अंधेरा दिखता है, मतलब आप मोबाइल का फ्लैश निकाल लेते हो देखने के लिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम मतलब 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर के बाद आप देख रहे हो कि मतलब आईनॉक्स का एक बंदा है जो कि मतलब वहां पे मतलब कोक वगैरह मतलब या मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके वहां पे टहल रहा है। ठीक है, मतलब वहां पे मतलब दूसरा कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, मतलब आपको मतलब आपने ऑर्डर किया था कुछ देने आ रहा है, वो क्लियरली आपको दिख रहा है। कैसे? दिस इज कॉल्ड लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। ठीक है, तो क्या होती है ना, जब हमारे जो आयरिस होती है, वो आयरिस में आपका क्या होती है, दो टाइप के मसल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आपका सर्कुलर मसल होती है, दूसरा आपका क्या होती है ना, आपका रेडियल मसल होती है। ठीक है, जो सर्कुलर मसल है, ठीक है, सर्कुलर मसल एंड रेडियल मसल आपको यहाँ पे दिख रहा है। सर्कुलर मसल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे ये सर्कुलर मसल्स हैं ऐसा जो है, और रेडियल मसल्स ऐसे कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे अपन देखते हैं ब्राइट लाइट में क्या होगा। जब आपका विजन ब्राइट होगी उस दौरान क्या होगा ना, जब विजन आपका ब्राइट लाइट में है, हम देख रहे हैं ज्यादा लाइट में देख रहे हैं, तो रेडियल मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज बेटा कोरिलेशन याद रखना है, BCC ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होगी एंड रेडियल मसल उसका जस्ट रिवर्स होगा, तो रेडियल मसल यहाँ पे क्या होगी ना, रिलैक्स होगी। ठीक है, बस जस्ट एक ही कोरिलेशन आपको निमोनिक आपको याद रखना है, BCC ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो आपका सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट होगी तो आपका जो रेडियल मसल है वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, जिसके वजह से कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाती है। जब लाइट ज्यादा है तो हमें ज्यादा लाइट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, स्टिमुलेशन को इंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने के लिए उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए प्यूपिल का डायमीटर क्या हो गया है, कम हो गया है, देखो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, प्यूपिल का डायमीटर काफी कम हो चुका है, देख रहे हो आप। ठीक है, ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट, कम लाइट से भी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बट जब डिम लाइट की बात करते हैं, डिम लाइट एग्जैक्टली रिवर्स होती है। क्या होती है, यहाँ पे ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे आपका डिम लाइट में सर्कुलर मसल क्या होगा, रिलैक्स होगी, एंड डिम लाइट में जो रेडियल मसल है वो क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। जस्ट एक ही चीज को रिलेशन आपको याद रखना है, ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होती है एंड आप उसके बाद अल्टीमेटली आप सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर सकते हो उस हिसाब से, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ना, डायमीटर ऑफ प्यूपिल क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज आपका क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में है, मूवी खत्म हो गया, हम बाहर निकले, मैटिनी शो देख रहे थे और दोपहर के मान लो कि मतलब 3-4 बज चुके हैं और हम बाहर निकल रहे थे, तो जब बाहर निकलोगे तो आपको प्रॉपर मतलब आप आंखें खोल नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट रेज अंदर आ जाती है और आपका पीपिल का डायमीटर काफी ज्यादा है उस टाइम, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है फिर से नॉर्मल विजन आने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आईज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट 3 में। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।